अब हम करते हैं ट्रावर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर ट्रावर्सिंग कैसे होती है? जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन हैं, उन्हें एटलीस्ट एक बार सबको रीड करना, उसे हम ट्रावर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट। लिस्ट नाम की हमने कोई भी एक लिंक लिस्ट ले ली है। इन मेमोरी स्टोर्ड इन लीनियर एरे इन्फो एंड लिंक विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड नल इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। जिसके अंदर इन्फो पार्ट होगा, लिंक पार्ट होगा, और जो स्टार्ट है वो स्टार्टिंग वैल्यू को प्रेजेंट करेगा और जो नल है वो लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज वी वॉन्ट टू ट्रावर्स लिस्ट, मान लो कि हम ट्रावर्स करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट को, टू प्रोसेस ईच नोड एग्जैक्टली वन, हर एक नोड को एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस करने के लिए हम उसको ट्रावर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो हम एल्गोरिदम पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम हर एक एल्गो में फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पॉइंटर। देखो ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी लिस्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है। अब ट्रावर्सिंग का मतलब क्या है कि मैं स्टार्ट पॉइंटर से शुरू करूंगी, सबसे पहले मैं फर्स्ट नोड पे जाऊंगी उसको रीड करूंगी, उसके बाद मैं सेकंड नोड पे जाऊंगी उसको रीड करूंगी, उसके बाद मैं थर्ड पॉइंटर पे जाऊंगी उसको रीड करूंगी। मतलब मैं वन बाय वन हर एक नोड पे जाऊंगी और उसे रीड करती जाऊंगी, यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा प्रोसेस होगा उसे मैं पॉइंटर मान के चलूंगी। इसको मैंने क्या मान लिया, पॉइंटर मान लिया, और उस पॉइंटर को मैंने पहले इससे रीड किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट नोड पे कैसे जाऊंगी उसको रीड करने के लिए, पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पॉइंटर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ेंगे हमेशा हम राइट साइड से पढ़ते हैं। ठीक, हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जो ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये हमारे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में जाती है। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाले में जाती है, तो लिंक ऑफ पॉइंटर हमारा जो है वो पॉइंटर में जाएगा। ठीक है, लिंक ऑफ पॉइंटर क्या होगा कि जो मेरा फिलहाल पॉइंटर है, मान लो मैं फिलहाल इस पॉइंटर की बात कर रही हूँ और मेरा ये वाला पॉइंटर है, ठीक है, और मैंने इस वैल्यू को रीड कर लिया, इस पॉइंटर को मैं रीड कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इस नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो मैं कैसे शिफ्ट करूंगी नेक्स्ट नोड पे, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरा फिलहाल पॉइंटर बना हुआ है ये मेरा पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर के लिंक में जो भी वैल्यू है, आप इस तरीके से पढ़ोगे राइट से लेफ्ट में, कि पॉइंटर के लिंक में, पॉइंटर के लिंक में जो भी वैल्यू है वो मेरी पॉइंटर के अंदर चली जाए। इस पॉइंटर के लिंक में कौन सी वैल्यू है मेरी, इस नोड की वैल्यू है, क्योंकि लिंक पार्ट में हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो लिंक पॉइंटर के लिंक पार्ट में जो भी वैल्यू है अब वो मेरी क्या करे, पॉइंटर के अंदर चली जाए, यानी कि मेरा अभी मेरा पॉइंटर ये था, अब मेरा पॉइंटर ये बन गया। देखो यहाँ पे देखो, ट्रावर्सिंग अ लिंक लिस्ट, हमें एक लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है। लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। लिस्ट नाम की कोई लिस्ट है मेमोरी के अंदर। दिस एल्गोरिदम, हम क्या करेंगे, उस लिस्ट नाम की लिस्ट को ट्रावर्स करने वाले हैं अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस नाम का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, जो हर एक ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट के हर एक एलिमेंट के पास जाएगा और उसको प्रोसेस करेगा यानी कि रीड करेगा। द वेरिएबल पॉइंटर, पॉइंटर हम कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हैं जो पॉइंट आउट करेगा सभी नोड को, यानी कि जिस नोड को वो रीड कर रहा है उस नोड को प्रेजेंट करेगा। मान लो कि वो फर्स्ट नोड को रीड कर रहा है तो उसे पॉइंटर बना देगा, फिर वो सेकंड नोड को रीड कर रहा है तो उसे पॉइंटर बना देगा, थर्ड नोड को रीड कर रहा है तो उसको पॉइंटर बना देगा, यानी कि हम जो भी रीड करते जाएंगे उसको पॉइंटर के नाम से वो रिप्रेजेंट करता जाएगा। ठीक है, ये मेरी लिंक लिस्ट है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे। हम इसके अंदर एग्जांपल लेके चलेंगे, ये लास्ट नोड मेरा नल हो गया और इनके अंदर हम मान लेते हैं वैल्यू हमने स्टोर किया, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं ए, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं बी, और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं सी। ठीक है, तो हमारा बेसिक प्रोसेस क्या होगा कि हमने पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल लेना है जिसको हम क्या करेंगे, पहले हम
उसका हम एड्रेस डाल देते हैं 1, 2 और 3। तो हम पॉइंटर एक वेरिएबल लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा आपका, वो पहले 1 पे जाएगा उसे रीड करेगा, फिर 2 पे जाएगा उसको रीड करेगा, और फिर 3 पे जाएगा उसको रीड करेगा। ठीक है, बेसिक प्रोसेस सबको समझ में आया। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट से हम अपना प्रोसेस जो है वो फर्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है। फर्स्ट स्टेप आप देखो, फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने जो है जो स्टार्ट है, हमेशा राइट साइड से अपनी एल्गो को रीड करना है, जो स्टार्ट है उसको आपने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया। यानी कि जो मेरी फर्स्ट नोड है जो स्टार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर है यानी कि जो 1 है उसे सबसे पहले मैंने पॉइंटर बना दिया। नेक्स्ट क्या है सेकंड स्टेप के अंदर, कि मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करूंगी, यानी कि मैं ट्रावर्सिंग अपनी जब तक करूंगी व्हाइल जब तक जो मेरा पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता। नल का मतलब क्या है कि पहले मेरे पॉइंटर में 1 जाएगा, फिर मेरे पॉइंटर में 2 का एड्रेस जाएगा, फिर मेरे पॉइंटर में 3 का एड्रेस जाएगा, और उसके बाद जब मैं 3 के बाद कोई एड्रेस है ही नहीं, यहाँ पे नल है, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंटर के अंदर नल चला जाएगा। तो जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं हो जाता यानी कि जब तक मैं लास्ट पॉइंटर को रीड नहीं कर देती तब तक मेरा प्रोसेस चलेगा। जैसे ही नल होगा यानी कि मेरा लास्ट एलिमेंट आएगा, उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब मैं जाके अपना क्या करूंगी, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगी। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने पॉइंटर को स्टार्ट ले लिया और स्टार्ट वाली जो भी वैल्यू थी मैंने पॉइंटर में डाल दी। अब मेरा फिलहाल ए ये वाला पॉइंटर है। अब मैं क्या करूंगी, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पॉइंटर। इस पॉइंटर के इन्फो पार्ट में जो भी वैल्यू है, पॉइंटर के हमेशा मैंने आपको कहा है राइट साइड से रीड करना है, तो आप राइट साइड से रीड करो। पॉइंटर के इन्फो पार्ट में जो भी वैल्यू है, पॉइंटर जो है उसके इन्फो पार्ट में जो भी वैल्यू है, तो पॉइंटर फिलहाल मेरा कितना है, ए है, ये वाला फर्स्ट नोड है, इसके इन्फो पार्ट में क्या वैल्यू है, ए। उसको मैं क्या करूंगी, प्रोसेस करूंगी। ठीक है, तो पॉइंटर के इन्फो पार्ट में जो भी वैल्यू होगी मैं उसे प्रोसेस करूंगी। मैंने इसको प्रोसेस कर दिया, अब मेरा काम क्या है, मैंने इसको प्रोसेस कर दिया, अब मेरा काम क्या है कि मैं ये प्रोसेस होने के बाद अब मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊँ। ए को मैंने प्रोसेस कर दिया, अब मैं बी पे जाऊँ। तो जो मेरी फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे शिफ्टिंग होगी उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए आप लोग देखो यहाँ पे लिखा गया है पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पॉइंटर। मतलब पॉइंटर के लिंक में जो वैल्यू है, जो मेरा पॉइंटर है फिलहाल, मैं यहाँ दोबारा से बना देती हूँ, फिलहाल मेरा पॉइंटर ये है। अब मुझे नेक्स्ट नोड पे जाना है, मुझे नेक्स्ट नोड को पॉइंटर बनाना है, ये लिंक पार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, इसका एड्रेस 1, एक सेकेंड, इसका 1, इसका एड्रेस 1 है और इसका एड्रेस 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए था और यहाँ आपका बी था। तो मैंने क्या किया, पॉइंटर से मैंने इसको रीड कर दिया। अब मुझे फर्स्ट से शिफ्ट होके सेकंड नोड पे जाना है, तो उसके लिए मेरा क्या प्रोसेस रहेगा, पॉइंटर के लिंक में जो वैल्यू है यानी कि ये जो मेरा पॉइंटर है इसके लिंक पार्ट में जो भी वैल्यू है, इसके लिंक पार्ट में वैल्यू है मेरे सेकेंड नोड की। तो पॉइंटर के लिंक पार्ट में जो भी वैल्यू है यानी कि जो सेकंड नोड है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अब उस नोड को वो पॉइंटर बना देगा, अब मेरा ये पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा ये पॉइंटर बनाएगा फिर से मैं थर्ड स्टेप फॉलो करूंगी कि पॉइंटर के जो इन्फो पार्ट में वैल्यू है, पॉइंटर के जो इन्फो पार्ट में वैल्यू है उसे प्रोसेस करे यानी कि वो बी को प्रोसेस कर देगा। उसके बाद फिर से मैं इससे क्या जाऊंगी, थर्ड वैल्यू पे जाऊंगी यानी कि पॉइंटर के लिंक में, इसके लिंक में कौन सी वैल्यू थी, 3 वाली, इसके लिंक में 3 वाली वैल्यू थी, अब इसको पॉइंटर बना देगा वो, और यहाँ पे वैल्यू मेरी स्टोर है सी। फिर मेरे जो इसके इन्फो पार्ट में वैल्यू है उसको प्रोसेस करेगा, फिर मैं इसको नेक्स्ट वैल्यू पे स्टोर करूंगी। तो पॉइंटर के लिंक पार्ट में अब दोबारा देखेगा कि पॉइंटर के लिंक पार्ट में वैल्यू है मेरी नल, तो फिर पॉइंटर के लिंक पार्ट में नल वैल्यू है तो नल वैल्यू मेरी पॉइंटर हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जब मेरा पॉइंटर नल हो जाएगा तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे एंड लास्ट में आप लोग एग्जिट कर जाओगे।